हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि और रुचि मैजिक किचन में आपका खूब खूब स्वागत है। आज मैं आपके साथ रायते वाली बूंदी बताने जा रही हूँ, बहुत ही गोल एंड एकदम क्रिस्पी। आइए शुरू करते हैं। एक कटोरी बेसन लेंगे यहाँ पर और इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक स्मूथ और प्लफी पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रहे, पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। इसे एक ही दिशा में घुमाते रहें ताकि इसमें कोई भी गांठ ना पड़े। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज ला सकूं। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है ताकि इससे मैं आगे बढ़ सकूं और आपके लिए अच्छी रेसिपीज ला सकूं। देखिए, गोल बन के तैयार है। 2 से 3 मिनट तक इसे एक ही दिशा में घुमाया था और ये कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम इसे चम्मच से नीचे गिराएं तो ये ब्रेक ना हो, गोल हमारा लगातार गिरता रहे। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे। 10 मिनट बाद इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। इससे हमारी बूंदी के अंदर जाली बहुत अच्छी गिरेगी। वापस इसे 2 मिनट के लिए घुमा लीजिए ताकि इसके अंदर एयर चली जाए और जो बूंदी है बहुत ही क्रिस्पी और गोल बन के तैयार हो। घुमाना बहुत ज़रूरी है इसे 2 मिनट तक। इसी तरह से फेंटें। आइए, गोल हमारा तैयार है। अब हम इसकी बूंदी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इस तरह की कोई भी जाली आप ले सकते हैं जिसमें छोटे छोटे छेद हों, और गोल को इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस गोल को डाला है और देखिए नीचे अपनी आप गोल गोल बूंदी गिर रही है। अगर हमारा गोल परफेक्ट होगा तो इस तरह से बूंदी अपनी आप गिरेगी। लास्ट में हल्का सा इसको हिला लीजिए ताकि जो बचा हुआ गोल है उससे भी बूंदी गिर जाए। 2 मिनट तक इसको इस तरह से फ्राई करने के बाद एकदम क्रिस्पी बूंदी बन के तैयार है। ये देखिए, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बूंदी के गोल में हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक डालने से जो गोल होता है वो पतला हो जाता है और फिर बूंदी का शेप सही से नहीं आ पाता है। बूंदी को निकाल लेंगे और थोड़ी देर हवा में छोड़ देंगे। आइए इसी तरह सारी बूंदी बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद 1 घंटे तक इसे खुले में छोड़ दें, बूंदी अपने आप क्रिस्प हो जाएगी एकदम। ये देखिए, सारी बूंदी इसी तरह हम बना लेंगे। ये हमारी बूंदी बनकर बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट। मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। ये देखिए, एकदम करारी बूंदी बनकर तैयार हुई है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ सकूँ। मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।